दोस्तों, हाथ में जब रोटी को मैं ऐसे ले रही हूँ, इससे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं रोटी कितनी नरम बनी होगी। देखिए, और ये नरम रोटी के साथ जब गैस से निकालो तो रोटी कैसे फूल रही है वो भी देखिए। तो आज का जो वीडियो है मेरे उन दोस्तों को समर्पित है जिनको रोटी बनाने में तकलीफ हो रही है। अब पूरा वीडियो देखिए। जय जगन्नाथ, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल छिले स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में आटा लगाने से लेकर रोटी सेकने तक, यहाँ तक कि रोटी रखने तक डिटेल में बताऊंगी। आप आटा लगाने के लिए कोई भी बर्तन लीजिए, चाहे परात हो, कटोरी हो या कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ट्रिक देखिए, आटा नापिए, चाहे ग्लास से नापिए, कप से नापिए, किसी से भी नापिए। मैं यहाँ पे एक ग्लास ले रही हूँ, जानबूझ के मेजरमेंट कप नहीं ले रही हूँ, एक ग्लास लिया है और उसी ग्लास में 2 ग्लास आटा लिया है। 2 ग्लास आटे में, इसी ग्लास में ही मैं 1 ग्लास पानी लूंगी, आपके सामने ही ले रही हूँ। ये देखिए, बस अभी पानी का ग्लास को साइड रखते हैं। मुझे, मेरे घर पे नमकीन रोटी खाते हैं तो आधा चार छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप लोगों को अगर नमकीन रोटी पसंद नहीं है तो आप नमक स्किप कर सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हाथ में अंगूठी हो तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को कर लीजिए। और अभी इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी, आपने देखा ना कितना पानी डाला, और बीच में ही आटे को इकट्ठा करेंगे इस तरह। देखिए, बस आटे को हल्का हल्का गीला करेंगे, जितना आटा गीला हो रहा है उसको साइड किया, फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर से थोड़े आटे को गीला करेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आटा आपका ज्यादा गीला नहीं होगा या ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब जितना पानी डाला है, तीसरी बार जो पानी डाला है इसमें कोशिश ये करेंगे कि सारे आटे को मिक्स कर लेंगे। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से पानी लेंगे, लेकिन इसी स्टेज पे हम अभी बस एक एक चम्मच पानी लेंगे, ऐसे छिड़केंगे और फिर से आटे को इकट्ठा करते जाएंगे। अभी हम आटा लगाए नहीं है, बस उसको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो सूखा आटा है गीले आटे के साथ मिक्स हो जाए। अब देखिए, अब पूरा मिक्स होने लगा है, लेकिन हाथ में भी आटा लगा है और जो परात है उसमें भी खूब आटा लगा है। धीरे धीरे देखिएगा, जब आप ऐसे धीरे धीरे पानी डाल के लगाते जाएंगे ना, आपके हाथ से भी आटा छूट जाएगा और परात से भी निकल जाएगा। अब ये आटा हमारा पूरा इकट्ठा हो गया है, अब इसको लगाने की बारी। थोड़ा अच्छे से पानी डाले और उसको पानी के साथ मिलाए, और अब इस हाथ को मुट्ठी करके, ऐसे देखिए मुट्ठी करके उसको ऐसे हमें लगाना है। इससे क्या होगा, आटे को एक प्रेशर जाएगा जिससे आटे में, मतलब एक सॉफ्टनेस क्रिएट होगा। आप लोग इस तरह अगर आटा लगाएंगे तो आपकी रोटी ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, चाहे वो गैस में फूले ना फूले, लेकिन रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। वापिस लाइए, फिर से मुट्ठी में ऐसे ही मसलिए। घर में अगर किसी के ऊपर गुस्सा है या नाराजगी है, सारा नाराजगी आटे पे उतार दीजिए। आटा नाराज नहीं होता है, आटा खुश हो जाता है, क्योंकि जब उसको इतना मसलते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाता है। तो देखिए, जब मैं खींच के आटे को ला रही हूँ, आप देख सकते हैं परात में भी नहीं चिपक रहा है और आपके हाथ में भी नहीं चिपकेगा, मीन्स मेरे हाथ में नहीं चिपक रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। जब ये स्टेज आ जाए तब आप समझ लीजिए कि आपका आटा परफेक्ट लगा है। आटा लगाने के लिए टोटल दोस्तों 5 मिनट का टाइम लगता है। अब देखिए, आटा लग के तैयार है, लेकिन इसको 10 मिनट का रेस्ट चाहिए। अगर रेस्ट नहीं देंगे तो आटा सॉफ्ट कैसे बनेगा, फूलेगा कैसे। छोड़ देते हैं, और जो मैंने पानी 1 ग्लास लिया था ना दोस्तों, उसमें से बस 1 चम्मच बचा है। ये नहीं है कि मेरा 1 चम्मच बचा है तो आपका ही बचेगा, मे भी आपका 1 चम्मच ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि कोई कोई आटे की क्वालिटी कैसी होती है बोल नहीं सकते। 10 मिनट बाद अभी हम क्या करेंगे, आटे को फिर से लगा लेंगे। थोड़ा सा ऐसे लगा के फिर हम लोई तोड़ेंगे। कभी भी आटे को आप जब रेस्ट देते हैं और जब शुरुआत करते हैं रेस्ट के बाद, एक बार जरूर लगा लीजिए। और दोस्तों, ये जो आटा है ना, इसको मतलब 10 मिनट नहीं, 20 से 30 मिनट भी रेस्ट देंगे तब भी आटा बहुत अच्छा है। मेरे घर में 7 रोटी बनती है, उसके बाद ये जितना आटा बच गया इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी कल सुबह नाश्ते के लिए।
तो जब आटा रखें तो ऐसे गोल वाली कुछ एयर टाइट कंटेनर में रखिए। उससे क्या होता है, आटा काला नहीं पड़ता। एक दिन क्या 3 दिन रखिए और ऐसे हल्का से एयर निकाल लीजिए, आपका आटा कभी भी काला नहीं पड़ेगा। इसको ढक देते हैं और चलिए मैं रोटी बेलना बताती हूँ। आपसे गोल रोटी नहीं बनती, आज बनेगा। इस वीडियो को देखने के बाद तो जरूर बनेगा। सूखे आटे से आटे को ऐसे लगाने के बाद अब देखिए मैं बेल रही हूँ। दोस्तों, अगर आपका आटा परफेक्ट लगा है ना, आपको कोई बेलन को ना चकले को किसी को मतलब आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बेलते जाएंगे और आपका रोटी अपने आप गोल होती जाएगी। आप खुद देख सकते हैं, मैं किसी को नहीं मतलब घुमा रही हूँ, लेकिन रोटी हमारी परफेक्ट गोल बन गई है। तवा गरम हो चुका है, चलिए डाल देते हैं। लेकिन डालने से पहले हाथ से ऐसे एक दो बार ऐसे दोनों हथेलियों से कर लीजिए। उससे क्या होता है, सूखा आटा निकल जाता है। तवे पे डाल दिया है और उसके बाद फिर से बेल लेते हैं, और एक बेल लेते हैं, क्योंकि वो रोटी होते होते अगर आपसे नहीं बनता तो कुछ बेल के भी आप थाली में रख सकते हैं। अभी दोबारा देखिए, अपने आप आटा अगर परफेक्ट लगा होगा ना, अपने आप रोटी घूम जाती है। दोस्तों, सूखा आटा ज्यादा मत लगाइएगा, उससे क्या होता है रोटी कड़ी बन जाती है। और उसी लिए हाथ से ही उसको ऐसे मतलब ताली जैसे लगाते ना, उसी तरह किया जाता है, क्योंकि सूखा आटा निकल जाए। अभी करीबन 20-30 सेकेंड हो गया है, एक तरफ से रोटी अच्छे से हो गई है। मैं तो हाथ से कर रही हूँ, आप मत कीजिएगा, आप करछी से कीजिएगा। पलटने के बाद मैं दिखा रही हूँ, देखिए हल्का सा ब्राउन स्पॉट आना शुरू हो गया है। जब अच्छे से आ जाए तब सेकेंगे। दोबारा पलट देती हूँ, ये देखिए इस तरफ बड़े अच्छे से आ गया है। अब दूसरी तरफ को भी अच्छे से हो जाने देते हैं, और सेकने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, जिस तरफ का तवे पे नहीं था। समझ गए ना कैसे मैंने लिया, तवा ठंडा ना हो जाए तो दूसरी रोटी भी मैंने डाल दिया है। कैसे फुली फुली रोटी बनी, आपने देखा, हमने कहीं से प्रेस किया या कुछ किया? बस इसको हमें कैसरोल में रखना है। जब भी रोटी कैसरोल में रखते हैं तो नीचे ऐसे एक सूती कपड़ा बिछा के रखिए। उससे क्या होता है, रोटी ना आपका कल सुबह तक एक दिन भी मतलब पूरा सॉफ्ट रहता है। सुबह बनाएंगे तो शाम तक भी, या फिर शाम को बनाएंगे तो दूसरे दिन सुबह तक भी सॉफ्ट ही रहती है। दूसरी रोटी भी दोस्तों तैयार हो गई, इसको भी सेक लेते हैं। इसी तरह आप सारे रोटी बना लीजिए। रोटी को तवे पे अगर धीमी आंच पे ज्यादा टाइम पका के सेकेंगे तो क्या होगा, रोटी कड़ी हो जाएगी। कभी भी ज्यादा टाइम नहीं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रोटी बनती है। जब रोटी हाई फ्लेम पे बनती है ना, तभी ज्यादा अच्छा बनता है। रोटी पकाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता। और एक चीज का ध्यान रखिए, आटा लगाना, उसको जरूर ध्यान से उस पार्ट को देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है। कितनी अच्छी फूली फूली रोटी बन रही है, आपकी भी बनेगी। नहीं बनेगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका भी टिप्स आपको उसमें बताऊंगी। लेकिन पूरा स्टेप वीडियो का आप जरूर फॉलो कीजिए। अब देखिए सारी रोटी मेरे तैयार हो गए हैं, वही पूरा सॉफ्ट बना है, पूरी रुई जैसी। कोई भी सब्जी के साथ परोसिए, आपका रोटी बहुत अच्छा बनेगा। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।